इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से यह आलमी वबा फैली हुई है और बेलगाम शहर में भी इसका असर काफ़ी तौर पर देखा जा रहा है, यहाँ हम अंजुमन कब्रिस्तान में भी हर रोज़ कम से कम जो है 20 से 25 मौतें हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ी तादाद है। कुल वैसे तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हो रही हैं, जो ज़िला अस्पताल का आंकड़ा है या तो फिर विम्स का आंकड़ा है। लिहाजा यहाँ पर अंजुमन में सदर अंजुमन जनाब आसिफ राजु सेठ, जनाब समीउल्ला माड़ीवाले साहब और वब बोर्ड चेयरमैन जनाब गफूर घीवाले की इनके कयादत में एक टीम बनाई गई है अंजुमन की जानिब से, जो घर घर जाकर भी उनका ट्रीटमेंट करेगी। और सबसे अहम जो लोगों की मौत जिस वजह से हो रही है वो है ये ऑक्सीजन न होने की वजह से इनकी मौतें हो रही है। तो अंजुमन की जानिब से 120 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए हैं और जहां पर भी ये ज़रूरत पड़ती है उन तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी दी जा रही है। लिहाजा एक बात ये भी देखी जा रही है कि जहां कहीं भी मोहल्ले में छोटे मोटे क्लिनिक्स थे वो बंद कर दिए गए हैं। कई सारे लोगों का ये कहना है कि क्लिनिक अगर अब खिदमत अंजाम नहीं देंगे तो कब देंगे। तो लिहाजा उन डॉक्टरों से गुजारिश की जा रही है जो जहाँ जहाँ पर रहते थे, मसलन कई सारे मोहल्ले हैं बेलगाम शहर के अंदर, वहाँ पर वो जो अपने खिदमत अंजाम देते थे वो ऐसे वक्त में बंद करके चले गए। ठीक है कि हर एक को अपना एहतियात बरतनी चाहिए और वो अपने आप को भी देखे, लेकिन आज उनकी ज़रूरत है तो ऐसे वक्त में वो क्लिनिक को बंद नहीं करने चाहिए और आवाम की खिदमत करनी चाहिए। अब ये मौका है, अगर बाद में 2 महीने के बाद अगर ये कोविड चला जाएगा, जब ये वबा चली जाएगी, तब आप आकर अगर अपने क्लिनिक्स खोलेंगे और फिर आप हम उस वक्त लोगों का ये कहना है कि उस वक्त ये एक तिजारत होगी, वो अपना एक कारोबार की तरह देखेंगे। लिहाजा अगर ये खिदमत को अंजाम देना है तो ऐसे वक्त में वो आए और मोहल्लों में जहाँ जहाँ पर भी वो क्लिनिक बंद करके चले गए हैं, जो भी डॉक्टर्स, उन्हें चाहिए कि वो ऐसे वक्त में अपने खिदमात को अंजाम दे। लिहाजा हम तमाम लोग अंजुमन इस्लाम के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसे इसमें इकदाम किया। पहले से ही वो यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया था, जिन लोगों का भी पॉजिटिव थे तो यहाँ पर भी उन्होंने रखकर उनके ट्रीटमेंट वगैरह की थी, उनका इलाज भी किया था और कई सारे यहाँ से डिस्चार्ज भी हुए थे। लिहाजा फिर एक बार अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की जानिब से मरीज़ों के इलाज के लिए जो उन्होंने इकदाम किया है ये वाकई सराहनीय है और इनके वाकई ये मुबारकबाद के काबिल हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज अंजुमन इस्लाम में हम कोविड के सिलसिले में जो भी लोगों को मदद होती है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम 120 सिलेंडर ले आए कि जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जो घर पे रहते हैं, डॉक्टर से रफ्ता करके हमारी जो मेडिकल टीम है, ये मेडिकल टीम जाके टेक्नीशियंस को लेके, जिसको ज़रूरत है, जो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, उनके घर पे जाके ऑक्सीजन सिलेंडर दे के आएंगे। ज़रूरी ये है कि हम एहतियात रखें, जो मेडिकल गाइडलाइंस है, सेफ डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग योर हैंड्स, आसपास में साफ रखना, बार बार हाथ धोना साबुन से, ये हम ज़रूर करें। सब तो मेहनत हो रही है, लेकिन जो खुद एक इंसान अपनी खुद की और अपने घर वालों की मदद कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। तो हमारे यही आपको गुजारिश है कि घर पे रहिए, ज़रूरत पड़ी तो ही बाहर जाइए। जो हम देख रहे हैं कोविड के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, बीमारी भी बढ़ रही है, साथ ही साथ मैयतें भी ज़्यादा हो रही है। ये बीमारी को हराने के एक ही हमारा
जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव तभी पूरा होगा जब हम खुद की हिफाजत करना सीखेंगे। काफ़ी एनजीओस काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, लेकिन खुद की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे मेडिकल टीम से, हम आपको व्हाट्सएप नंबर्स देंगे, मेडिकल टीम से रफ्तार रखिए, हमारे वॉलंटियर्स आके आपको जो भी मदद चाहिए वो मदद करेंगे और दुआ करेंगे कि ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे बीच से निकल जाए। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि साहब ने कहा अभी कि जो इंफॉर्मेशन सेंटर जो अंजुमन का है, ये एक टीम बना गई है, ये टीम अभी आज से काम करना शुरू कर देगी इंशाल्लाह। इसमें जो भी मेन मेन लोग हैं, जैसे कि हमारे आमिन है, कादर भाई है, फ़हीम नाइकोड़ी है, अशफाक भाई है, ये लोग डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और जो भी आपकी तकलीफात है उनको शेयर करेंगे। अगर कोई स्कैनिंग है तो और ब्लड टेस्ट है तो आमिन इसके लिए फॉलो करेंगे, उनके साथ तो बात करके, डॉक्टर से बात करके उनका क्या जो ट्रीटमेंट है इंशाल्लाह वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और सब में ये अहम बात यह है कि जो घर पे जो लोग अपने आप को बंद करके रखे हैं और आज कम हो जाएगा, कल कम हो जाएगा, जो 8-10 दिन लगा रहे हैं घर में, वो ऐसा ना करें। इमीडिएट अपने जो भी दोस्त है या तो उनके जो कंसर्ट में हमारी टीम है उनको मिलकर अपनी दवाइयाँ स्टार्ट कर लें उसको, नहीं तो हॉस्पिटल एडमिट हो जाएं। और सिविल हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग जाकर अपने जो स्टार्ट के जो सिम्टम्स थे उसमें जाकर वो ठीक होकर भी बाहर आ चुके हैं। हाँ, थोड़ा है, थोड़ा सा ये हो रहा है सिविल में, फिर भी आप जाकर ठीक हो सकते हैं, वहाँ पर वहाँ है, घर पे बैठ कर भी ठीक हो सकते हैं। इसमें ज़्यादा थोड़ा सा लोग क्या कर रहे हैं कि दिमाग पर थोड़ा ये परेशानी ज़्यादा हो रही है उनकी, पैनिक हो रहे हैं, ये ना हो लोग बस। अस्सलाम वालेकुम।